भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी का रहस्य। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी का ऐसा रहस्य जिस पर आपको यकीन नहीं होगा, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि 9000 साल पुरानी समुद्र की गहराइयों में डूबी द्वारिका नगरी आज भी मौजूद है। दोस्तों द्वारिका नगरी के बारे में तो आपने सुना ही होगा और इसके बारे में जानते भी होंगे, इसे श्री कृष्ण की नगरी भी कहते हैं। ऐसे क्या हुआ कि यह नगरी पूरी तरह से पानी में समा गई? हम आपको बता दें आज भी समुद्र की गहराइयों में इसके अवशेष मौजूद हैं। तो आइए जानते हैं इसके रहस्य को। मथुरा से जाने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने एक विशाल नगर की स्थापना की थी जिसका नाम द्वारिका था, लेकिन श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद यह खूबसूरत नगरी समुद्र में डूब गई। बताया जाता है कि रिसर्च के मुताबिक खुदाई में मिली द्वारिका नगरी करीब 9000 साल पुरानी है। समुद्र की गहराई में खोज करने पर कुछ ऐसे भी साक्ष्य मिले हैं जो इन पौराणिक कथाओं को सच साबित करते हैं, और उन्हीं में से एक है द्वारिका नगरी का रहस्य। कहते हैं कि 9000 साल पहले हिमयुग की समाप्ति हुई, उसके बाद समुद्र का जलस्तर इतना ज्यादा बढ़ गया द्वारिका इसी में समा गई। लेकिन इतिहासकारों का कहना है कि द्वारिका को कृष्ण के देहांत के बाद जानबूझकर नष्ट किया गया था। इस शहर के चारों ओर लंबी लंबी दीवारें थी जिसमें कई द्वार मौजूद थे, और इसे कई द्वार का शहर होने की वजह से ही इस नगरी का नाम द्वारिका पड़ा। समुद्र में आज भी इसकी दीवारें खड़ी हैं। तो दोस्तों ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।